अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूँ आपके साथ गुलफ़शान सारी। नाज़रीन, रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है और सबका साथ सबका विकास करने वाली मोदी सरकार ने मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देनी भी शुरू कर दी है। बस इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। जहाँ रामनवमी हो या फिर कांवड़ यात्रा, उस पर हमारी मोदी सरकार भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है, खैर मकदम करती है फूलों की बारिश करके, जबकि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए जूतों से लात मारकर भगाया जाता है। गनीमत यह रही कि इतना कुछ अंजाम होने के बाद भी मुस्लिम भाइयों ने सब्र और कानून का पालन किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात बड़े पुलिस अधिकारियों तक रखी और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो सकी और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और जांच शुरू कर दी है कि यह घटना कैसे हुई। यहां पर सभी मुस्लिम भाइयों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने समझदारी दिखाई और किसी भी बड़ी घटना को होने से इस पूरे क्षेत्र को बचा लिया, क्योंकि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन शिवरात्रि का बड़ा त्योहार भी था और सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और किसी भी गलत अफवाह से मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता था, लेकिन लोगों और पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती या फिर जांच बिठाकर मामले को फॉर्मेलिटी के साथ पूरा कर दिया जाएगा। अब जल्द ही रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। जिस तरीके से अन्य धर्मों के लोगों को सड़क पर पंडाल लगाकर कांवड़ यात्रियों के लिए ठहरने और खाने का इंतजाम करवाकर सरकार कानून में ढील बरतती है, तो क्या रमजान में भी मुसलमानों के लिए सरकार नियमों में छूट दे सकती है। नाज़रीन, हम नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग नहीं कर रहे, लेकिन रमजान के महीने में नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाए ये बात तो रख ही सकते हैं, क्योंकि रमजान के पूरे महीने में सिर्फ 4 शुक्रवार यानी 4 जुमे की नमाज, जिसे अदा करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। अगर इन 20 मिनटों में सरकार मुसलमानों के साथ थोड़ी नरमी बरते तो इससे सभी का साथ सभी का विश्वास साकार हो सकता है। लेकिन जिस तरह की घटना इंद्रलोक में हुई उसे गलत हरकत से सारे पुलिस विभाग को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आगे से सभी पुलिस अफसरों को इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और हाँ, सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि शांति और सद्भाव के साथ देश के विकास में योगदान करें और आपसी भाईचारे को बनाए रखें। इस पूरे मामले पर नूरानी खबरें की चीफ यामिन खान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत में अमृतकाल चल रहा है, आपने देख ही लिया होगा इंद्रलोक में अभी किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर एक पुलिस अफसर नमाज की हालत में लात मार रहा है और दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोगों पर ये ऐसा ही एक पुलिस का बड़ा अफसर, ये तो सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर था, DGP उत्तर प्रदेश में, सूबे का मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कर रहा है और हमारे वजीर आजम कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, यही सबका साथ है, लेकिन मुसलमान भाइयों के सब्र का मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अकलबंदी और सब्र से काम लिया कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो थी वो फेल हो गई और मुसलमानों को बदनाम नहीं हो पा कर पाए लोग। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इनके नमाज पढ़ने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, जबकि बिल्कुल इसी जगह पर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हर वीरवार को यहाँ पर बाजार लगता है और गैर कानूनी तरीके से इतनी दुकानें लगती हैं कि पूरे दिन ट्रैफिक जाम होता है, तब किसी अंधभक्त को कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन दुकानदारों से जो एजेंसियां हैं उनको चंदा भी मिलता है और रिश्वत भी मिलती है, तो तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ परेशानी होती है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं जुमे की नमाज पे, इनको ट्रैफिक जाम से परेशानी नहीं है, इनको नमाज से परेशानी है। बस में कोई नमाज पढ़ता दिख जाए
दिख जाए, ट्रेन के अंदर कोई नमाज पढ़ता दिख जाए, हवाई जहाज के अंदर जो है कोई भी आप धार्मिक काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी अयोध्या जो फ्लाइट गई थी उसमें जय श्री राम के नारे खूब लगाए गए थे, ना तो किसी एयरलाइन वाले को कोई ऑब्जेक्शन हुआ, ना किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ। सिर्फ परेशानी है तो मुसलमानों से है, चुनाव आ रहे हैं और ये कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि मुस्लिम उग्र हो, सड़कों पर आए और उनको बदनाम करके हम वोटों का पोलराइजेशन कर सकें। देखिए, सरकार इस समय देश के मुसलमानों से दोहरी नीति अपना रही है। जब कावड़ के दिनों में पूरे 10 दिन के लिए पूरा उत्तर प्रदेश की सड़क जाम कर दी जाती है और पूरे दिल्ली शहर के अंदर जगह जगह पर पंडाल लगाए जाते हैं, लंगर चले होते हैं, तो उस समय भी तो जो सरकार है अपने नियमों में ढील देती है। आप देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिलों पर, टम्पुओं पे म्यूजिक का एक तरीके से बैन होता है कि भाई आप म्यूजिक नहीं कर सकते, सरकार घोषणा करती है लेकिन कानून में ढील दी जाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरीके से रामलीला के दिनों में रामनवमी पे जगह जगह रामलीलाएं होती हैं, लोग ट्रैफिक उल्टा सीधा लगाते हैं, तो गवर्नमेंट आस्था के तौर पे थोड़ी चुनाव में उनको ढील देती है। तो क्या मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो सकता? अब 2 दिन बाद रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है इबादत करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, और हर आदमी जो कभी नहीं पढ़ता उसकी भी कोशिश रहती है नमाज पढ़े। तो हम तो सरकार से, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिस तरीके से आप और धर्मों के लोगों को ढिलाई बरतते हैं कानून में, तो रमज़ान के महीने में अगर कोई सड़क पे मजबूरी में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट की नमाज़ पढ़ता है तो उनको इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए।